अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। तो ये मेरी जौले की चटनी जो बनाते हैं उसकी वीडियो है। तो बारिश में बहुत मज़ा आता है ये चटनी खाने का, रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, गेहूँ की रोटी के साथ। तो ये ना कश्मीरी मिर्ची या लाल तीखी मिर्ची आप ले लीजिए और इस तरीके से इसको फ्राई कीजिए। अच्छा, ज़्यादा नहीं जलाना, कभी कभी ना अपने आप ये जल जाती है ज़्यादा, तो उसको ध्यान रखना। अंदर की बीज नहीं जलनी चाहिए, ऊपर की परत जल गई तो ओके है, बस अंदर की बीज नहीं जलनी चाहिए और वह अच्छी कच्ची पक्की रहनी चाहिए। तो इस तरीके से मेरी हो गई। तो ये 100-100 ग्राम करके, 200 ग्राम ये मिर्चियाँ थी। उसके बाद मैंने अच्छा खासा कांदा काट के रखा था और देखिए उस मिर्ची का मैंने इस तरीके से बुक्का किया। और बुक्का मतलब हाथ से भी चूरेंगे तो चलेगा, अगर आप मिक्सी में डालेंगे तो भी चलेगा। तो हाथ से भी चूरेंगे तो आपको इस तरीके से इसका भुस्सा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका भुस्सा ले सकते, इसका इस तरीके से मिक्सी में थोड़ा बारीक कर लीजिए और बीज देखिए अच्छी रही है। अब फिर इसके बाद ये कांदा और मिर्ची मैंने कर लिया, अब मैं जौला बुनूंगी। तो ये जौला मेरा वही 100-200-250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि वो वैसे ही पैकेट बना के लेके आना पड़ता है। रीज़न है कि वो ठीक ठाक रहे और अपने को एक वक्त के लिए ही काम आए, क्योंकि एक वक्त के लिए जितना चाहिए उतना ही हम बना के लेते हैं। तो इस तरीके से इसको फ्राई करना है। अच्छा, इसको फ्राई करते वक्त भी इतना ध्यान रखना कि इसको बारीक आँच पे फ्राई करना। बारीक आँच पे इसके लिए फ्राई करते हैं कि जल नहीं जावे। जौला जल्दी से गर्म हो जाता है तवा तो फटक से आग पकड़ लेता है और जल जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना और अच्छा खासा फ्राई करना, इसको जलाना नहीं सिर्फ फ्राई करना है। तो देखिए इस तरीके से मेरा जौला फ्राई हो गया और नीचे का जो भुस्सा होता है ऑलरेडी हम लोग पछड़ के चुन के लेते हैं इसको, उसके बाद में फिर से जो भुस्सा निकलता है वो निकाल निकाल के फिर इस तरीके से देखिए मिर्ची कांदा और उसमें डाल दिया। अब मैं इसमें नमक डालूंगी और तेल डालूंगी। नमक और तेल डाल देंगे आपके हिसाब से, आप नमक टेस्ट के हिसाब से डालिए। मेरे को ये नमक थोड़ा खारा है तो मैंने आधा चम्मच ही डाली हूँ और इसके ऊपर फिर तेल डालूंगी और फिर इसको मिक्स करके आप का ये देखिए ये तेल डालूंगी। तो 2-3 चम्मच आपको जितना चाहिए ऑयली जितना चाहिए ना उतना ही डालना। तो उस हिसाब से आप मिक्स कर दीजिए सब चीज़ें। तो हमने 4 चीज़ डाली, कांदा, मिर्ची को भून के उसका बुक्का किया और जौले को साफ़ करके चुन के उसको भून लिया और उसमें नमक डाला, तेल डाला। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है इसमें और अब इसको मिक्स करेंगे और ये खाने के लिए अभी रेडी हो जाएगा। ये आप फ्रिज में रख सकते हैं 8 दिन का 4 दिन का बना के, जो भी है आपकी मर्ज़ी। आप इसी तरीके से बनाइए और खाइए और मुझे भी बताना कि ये जौले की चटनी आपको कैसी लगी। ये बहुत इजी है, थोड़ा देखिए कांदा काटने में तकलीफ़ होगी, मिर्ची भुनने में तकलीफ़ होगी, जौला चुनने में तकलीफ़ होगी, मगर खाने में बहुत मज़ा देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।